नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, ये जहां भी फैला समझो वो जगह बर्बाद है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या फिर राजनीति। भारतीय राजनीति में भी सपा बसपा कांग्रेस शिवसेना जैसे दर्जनों पार्टियों में परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। खुद को परिवारवाद का सबसे बड़ा विरोधी बताने वाली मायावती ने भी खुद सत्ता में रहते सिर्फ अपने रिश्तेदारों को अय्याशी करवाई है। पत्थर की प्यारी मायावती ने सत्ता का गलत इस्तेमाल कर अपने भाई आनंद कुमार को एक क्लर्क से 1300 करोड़ का मालिक बना दिया है। मायावती के लुटेरे भाई आनंद कुमार ने अपनी लुटेरी बहन की सरकारों में जमकर लूटमारी की। पाखंडी माया की सरकार में जनता के पैसों को हड़पने के लिए भाई आनंद ने 49 कंपनियां खोली थी। यही नहीं, इसने रियल एस्टेट में अवैध रूप से अरबों रुपए डकार डाले थे। साल 2007 से साल 2014 के बीच आनंद कुमार की संपत्ति 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 1316 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वाह बुआ वाह, तुमने करोड़ों गरीबों के हक की रोटी अपने परिवार की थाली में परोस दी थी। इन गरीबों की हाय तुमको जरूर लगेगी। यूपी की जनता सावधान हो जाइए, सत्ता में आने का बुआ का एक ही मकसद है, जनता के हक को लूटकर अपने परिवार वालों की तिजोरियां भरना। इन ढोंगियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाइए।